कंसीलर्स वेरी बोरिंग. नहीं नहीं यार बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं तो स्किप कर रही हूँ. अरे अरे स्किप नहीं करना, बहुत ही ईजी है, मैं बताती हूँ ना कैसे यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर एमन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसीलर्स के बारे में, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है और जिनको समझ आ जाती है उनकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देती है. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे. सबसे पहली बात आ जाती है कि कंसीलर्स को किस लिए यूज किया जाता है. कंसीलर्स को डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हुई हो उस जगह को इवन टोन बनाने के लिए और एक स्मूथ सा कैनवस ड्रॉ करने के लिए, अपनी फाउंडेशन के लिए हम कंसीलर्स को यूज करते हैं. तो फिर कौन सा कंसीलर बाय किया जाए. मार्केट में तीन तरह के कंसीलर्स आते हैं. लिक्विड कंसीलर्स जो कि हर कोई ऑलमोस्ट यूज करता है. देन आ जाते हैं स्टिक बेस्ड कंसीलर्स जो कि इस तरह के स्टिक फॉर्म में होते हैं. और लास्ट आ जाते हैं क्रीम बेस्ड कंसीलर्स जो कि छोटी छोटी पैलेट्स के फॉर्म में आते हैं और क्रीम जैसी उनकी कंसिस्टेंसी होती है और उनको आप एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं. अब आपने कौन सा कंसीलर बाय करना है. सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड कंसीलर्स की. तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कंसीलर्स ही पिक करने हैं. बट जिनकी स्किन ऑयली है ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड कंसीलर्स यूज नहीं कर सकते. आप जरूर यूज कर सकते हैं लेकिन उसको यूज करने का एक करेक्ट तरीका होता है, एक वे होता है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. आपने कौन सी कवरेज वाला कंसीलर लेना है. अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइपर पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आपने मीडियम टू फुल कवरेज या मीडियम टू हाई कवरेज वाला कंसीलर लेना है. और जो लिक्विड कंसीलर्स होते हैं इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक लो टू मीडियम कवरेज, जैसे कि जो फिटमी का कंसीलर होता है वो मीडियम टू लो कवरेज देता है, यानी अगर आपको जरा सा एरिया हाईलाइट करना है तो आप वो कंसीलर बाय कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े ज्यादा हैं, ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुई है फेस पे, तो आप टार्ट का कंसीलर या इस तरह का मिसरोज का कंसीलर ले सकते हैं. मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप मिसरोज का कंसीलर लें क्योंकि एक तो इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं और दूसरा ये अच्छी कवरेज दे देता है और स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, जितने भी डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से हाइड कर देता है. और इसकी प्राइस तकरीबन 270 to 330 रुपीज तक इजीली डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको ऑनलाइन मिल जाती है. अब बात कर लेते हैं कि स्टिक बेस्ड कंसीलर किन लोगों ने यूज करने हैं. जिनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन टू ऑयली है उनके लिए यही रिकमेंडेशन होती है कि वो स्टिक बेस्ड या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज किया करें. और समर्स में तो इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है कि उसकी वजह से सारे मेकअप की जो होती है वो क्रीज बन जाती है, आईज पे क्रीज बन जाती है. जहां जहां पे आप कंसीलर अप्लाई करें वहां से एक तो केकी हो जाता है, दूसरा वो क्रीज बन जाती है. तो उस क्रीज को बचाने के लिए आपने क्रीम बेस्ड या स्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं. तो ये मैं यूज करती हूँ क्रिस्टीन का कंसीलर जो कि आपको 400 to 450 रुपीज तक इजीली मिल जाता है. इसी तरह से जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है वो क्रीम बेस्ड कंसीलर्स भी यूज कर सकते हैं. ये जो कंसीलर है इसको मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 साल से यूज कर रही हूँ और इसने मुझे कभी भी रुसवा नहीं किया. अब देखिए इसका शेड मेरी स्किन टोन से 1 to 2 shades लाइटर है, सही है. तो जब भी आपने कंसीलर खरीदना है आपने यही ट्राई करनी है कि आप अपने स्किन टोन से 1 to 2 shades लाइटर टोन का जो है वो कंसीलर पिक करें. अब जी बात आ जाती है कि कंसीलर को यूज किस तरह से करना है. तो सबसे पहले जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, चाहे स्टिक बेस्ड कंसीलर यूज कर रहे हैं चाहे लिक्विड वाला कंसीलर यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने 1 to 2 tones डार्कर शेड यहाँ पे अप्लाई करना है. कंसीलर में भी शेड्स आते हैं, ठीक है. ये अगर मैं आपको दिखाऊं लिक्विड वाला कंसीलर तो ये देखें ये मेरे स्किन टोन से 1 to 2 shades लाइटर कंसीलर है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है. अगर किसी के डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले ब्राउन कलर का जो कलर करेक्टर आता है मार्केट में या तो वो अप्लाई कर लेना है, अदरवाइज इससे 4 to 5 shades जो डार्कर का जो होगा शेड का कंसीलर वो लेना है और वो अप्लाई कर देना है पहले, ठीक है. उसके बाद आपने 2 minutes सुकून से बैठ जाना है, वो अच्छे से जब आपकी स्किन के ऊपर कवरेज दे देगा उसके बाद क्या करना है आपने ये कंसीलर लेना है. इमेजिन करें कि मैंने ना एक ब्राउन कलर का कलर करेक्टर लगाया. अभी मेरे पास कलर करेक्टर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरी स्किन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे पास है भी नहीं. बट अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है तो आपने पहले ब्राउन कलर करेक्टर लगा लेना है. उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्रीम वाला कंसीलर या लिक्विड कंसीलर जो भी आपके पास है वो आपने उठाना है और 1, 2, 3 लेस इज मोर. जितना कम लगाएंगे उतनी ज्यादा कवरेज देगा, जितना ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा क्रीज यानी लाइनें बनाएगा, ठीक है. इस तरह लगा देना, लगाने के बाद 10 to 15 seconds के लिए आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है जी. 10 seconds हो गए, 10 seconds के बाद आपने क्या करना है किसी ब्रश की हेल्प से, किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से आंख के नीचे ब्लेंड कर लेना है. ये देखें
अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला एरिया उतना हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये वाला एरिया हाईलाइटेड है, लेकिन इसने मेरा शेड चेंज नहीं किया, ऐसे पटाखा एकदम चिट्टा नहीं कर दिया। ये देखें, इसने जरा सी कवरेज दी है, बिल्कुल अगर आप इस आंख के नीचे देखें और इस आंख के नीचे देखें तो इसने बिल्कुल लाइट सी कवरेज दी है, बहुत ही नेचुरल सी कवरेज दी है। ये मैंने मिस रोज का कंसीलर इन द शेड फेयर यूज किया है, ठीक है। ये देखें, बस आपने ब्रश की हेल्प से जरा सा कर लेना है और ये हो गया। अभी आपने यहीं पे स्टॉप नहीं करना, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता। अगर आपकी स्किन ऑयली और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो आपने सबसे पहले कलर करेक्टर, बहुत ज्यादा अगर डार्क से करना है तो कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया, नहीं तो डायरेक्ट ही आपने कंसीलर अप्लाई कर लिया। कंसीलर अप्लाई करने के बाद जो आपने तरीका करना है वो मैं बताती हूँ। अच्छा जी, कंसीलर हमने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैंने लिया है लूज पाउडर, इसको जरा सा डस्ट कर दिया और इससे मैं अच्छी तरह से अपनी अंडर आईज को सेट कर लूंगी। यही सेम प्रोसेस आप अपनी आंख के ऊपर वाले एरिया पे भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप आंख के ऊपर कंसीलर अप्लाई करेंगे एज अ आई शेडो प्राइमर, अगर हम उसको आंख के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, गर्मी में तो वो लाइन बना देगा। अक्सर आप देखेंगे थोड़ी देर आंख खोल के रखें और घंटे दो घंटे बाद आपकी आंखों पे ना यहाँ पर लाइनें बनी होती हैं फाउंडेशन की या कंसीलर की, तो ये आपको उस चीज से बचाएगा, क्रीज नहीं बनने देगा, ठीक है। इस तरह करके डस्ट ऑफ करके और इस तरह कंसीलर लगा के आंख के ऊपर भी और जहां जहां भी आपने कंसीलर लगाया हो पहले इसको पैक करना है, उसके बाद फाउंडेशन लगाइएगा, ठीक है। इसको अच्छे से सेट करके फिर आपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होगा, ये क्रीज नहीं बनाएगा, यहाँ पे लाइनें नहीं पड़ेंगी, जिनको रिंकल्स होते हैं उनके रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, बहुत हद तक बचत हो जाएगी। ये आ गया स्टिक वाला कंसीलर, क्रीम वाला इसको कंसीलर भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों की कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसको भी बस इतना सा अप्लाई किया, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ऐसे 15 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसको करने लगे हैं ब्लेंड, ब्लेंड अगेन ब्रश से करूंगी। देखिए आप देख सकती हैं एक या दो शेड बस लाइटर है, ठीक है, मेरी ओरिजिनल स्किन टोन से। अपना लूज पाउडर लूंगी और इसके साथ मैं सेट कर लूंगी अपनी अंडर आईज को, उसके बाद ये कोई लाइनें नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा, आराम सुकून से जी ये हमारा कंसीलर अप्लाई हो गया। तो कंसीलर लगाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको लाजमी लगाया करें ताकि आपके डार्क सर्कल्स को आप हाइड कर सकें, ठीक है। पार्टिंग मेकअप्स वगैरह में और वेडिंग जो ब्राइडल मेकअप होते हैं और जितने भी वेडिंग गेस्ट मेकअप, इस तरह के मेकअप में आप ये सारे हैक्स अप्लाई किया करें ताकि आपको कंसीलर लगाना आ जाए। तो आई होप सो कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ का आंसर लाजमी करूंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको ऐसी बात लगी हो जो आपको पहले ना पता हो और आपने इस वीडियो से सीखी हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको मेकअप सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज हो, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।